हाँ जी हाँ सर, सतंग ये सर नाइजीरिया पाउंड में। साथियों, साथियों नमस्कार। आज की मुलाकात की श्रृंखला में आज मैं शशिकांत, सीएससी उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय की तरफ से, और आज हमारे साथ में हैं हरमीत सिंह जी, जो कि एक्सिस बैंक के एम्प्लाई हैं। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एक्सिस बैंक के साथ हम ट्रैक्टर लोन का कार्य कैसे कर सकते हैं, नए ट्रैक्टर के साथ साथ हम पुराने ट्रैक्टर पर कैसे लोन पा सकते हैं, तो उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और अपने सभी बीएलई भाई को ये जानकारी पूरी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ ट्रैक्टर लोन के साथ साथ अच्छी अपनी आय कर सकें और अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा दे सकें। हरमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय दिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। सर धन्यवाद आपका अनेक अनेक। सर मैं हरमीत, ट्रैक्टर लोन से एसएम सेल्स मैनेजर लखनऊ, और पूरा यूपी अपने पास सीएससी के थ्रू है। आप के जो भी सीएससी बंधु रहेंगे, ट्रैक्टर लोन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी कभी भी चाहिए होगी तो आप मेरा नंबर भी शेयर कर दीजिएगा, बाद में तो हो जाएगा, तब हाँ हम बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल करते हैं। हरमीत जी, हम लोग नंबर लास्ट में शेयर कर देंगे अपना, ठीक है। अभी जी सर, तो जैसा कि हमारे बहुत डेली साथी हैं, हम लोगों को अभी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, तो हम जी कैसे 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 क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं अपने एक्सिस बैंक के माध्यम से, अपने ट्रैक्टर लोन की क्या क्या सुविधा ले सकते हैं, थोड़ा सा जानकारी, डिटेल में सर आप जानकारी बताएं। बिल्कुल सर, अपने यहाँ मैं बेसिक पहले आपको बताता हूँ कि बेसिक क्या चीजें होती हैं। अपने यहाँ क्या है कि नए और पुराने दोनों ट्रैक्टर पर फाइनेंस हो रहा है, ठीक है। नए और पुराने दोनों ट्रैक्टर पर फाइनेंस होता है, ठीक है। हाँ जी और पुराने 13 हाँ जी आज आवाज आ रही है जी सुनाई आपकी। दे रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है। तो अपने लोग 13 साल पुराने ट्रैक्टर भी करते हैं और नए भी सब करते हैं, ठीक है। अपने लोग क्या है कि जैसे जो कॉमन नॉर्म्स हैं, हमको कॉमन चीजें जो चाहिए ट्रैक्टर लोन के लिए, वो अपना क्या है कि कस्टमर अपना एग्रीकल्चर हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म पे भी करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड पे भी करते हैं, ठीक है। जो एज का क्राइटेरिया है, ठीक है, वो 18 से 65 है, ठीक है। 18 साल से 65 साल लोन एप्लीकेशन के समय पे कस्टमर की एज होनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग को एप्लीकेंट और गारंटर अपना मैंडेटरी रहता है, ठीक है। जैसे नए ट्रैक्टर में अगर हम ले रहे हैं, किसी भी कस्टमर को कोई नया ट्रैक्टर ले रहा है, तो हम लोग उसको सिंगल पार्टी भी कर देते हैं। जैसे उसकी एज 30 से 55 साल के बीच में है, तो 55 साल उसकी एंड ऑफ लोन पे हम सिंगल पार्टी भी करेंगे, ठीक है। और नई गाड़ी में अपने लोग जो फंडिंग की बात करेंगे, जैसे कोटेशन 1 लाख रुपए की गाड़ी हो गई सपोज डेट, तो हम लोग 75% उस पर नॉर्मल केवाईसी करेंगे। केवाईसी मतलब होता है आधार पैन, ठीक है, और जो केवाईसी हमारी है, ठीक है। उसके लिए हमको किसी भी चीज जरूरत नहीं, मतलब केवाईसी करेंगे केवल आधार कार्ड, नॉर्मल आधार कार्ड के फंडिंग, अलावा और ठीक कोई है। डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? आपकी आवाज थोड़ा सा कट गई थी, देखिए आपने क्या आधार के बताया साथ एक आधार? सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो हम प्रधान क्या नाम वोटर आईडी ले लेते हैं, ठीक है। वोटर आईडी नहीं है तो हम लोग डीएल ले लेते हैं, डीएल नहीं है तो पासपोर्ट ले लेते हैं। तो हम इस तरीके आधार के साथ एक सब्सिक्वेंट आईडी अपने को चाहिए चाहिए, वो ये नए में भी चाहिए और पुराने में भी ये आपको चाहिए, ये चीज है। और बात करेंगे उसके अलावा हमको डॉक्यूमेंट में क्या है कि उसके अलावा हमको चेक चाहिए, ठीक है। कस्टमर का चेक वो किसी भी बैंक का होगा चलेगा, जरूरी नहीं कि उसका एक्सिस बैंक के साथ में खाता हो तभी उसको लोन मिलेगा। अगर उसका खाता किसी ग्रामीण बैंक में भी है तो भी उसका पैसा हम चेक ले लेंगे। बस एक समस्या आती है ग्रामीण बैंक के चेक लेने में कि उसका ईसीएस नहीं कटता है, मतलब तो उसका जो बैंक से पैसा रहेगा वो नहीं कट पाएगा। बाकी हम चेक जो है एक्सिस बैंक ग्रामीण बैंक का भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, चेक तो और ईसीएस बात लगाने के करेंगे लिए अगर चेक जैसे, लिए होता है। हाँ सर एक्चुअल क्या है कि ईसीएस लगाने के लिए चेक लिए जाते हैं। अगर अदर बैंक की चेक है तो हम 5 चेक लेंगे, वो भी एक्सिस बैंक लिमिटेड के नाम से ही लेंगे, ठीक है। और अगर सेम बैंक का है तो अपना एक चेक ले लेंगे एक्सिस बैंक लिमिटेड के नाम से, बस काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब चेक और आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा एक एडिशनल आईडी चाहिए होगी, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हाँ कोई बाकी गारंटर वगैरह खतौनी भी अगर लगता कस्टमर होगा? के पास है,
हाँ गारंटर में कोई इशू नहीं सर। जैसे गारंटर में क्या है, ब्लड रिलेशन लगती है को अप्लीकेंट, जैसे अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट। को अप्लीकेंट में क्या हो गया, जैसे वो बाप बेटे हैं तो बाप के नाम से लोन पर ही बेटे को अप्लीकेंट ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती, बाई फैक्ट अगर कुछ नहीं होता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है, अगर उसको कुछ हो जाता है जिसके नाम से इंश्योरेंस है, तो सेकंड पार्टी को उसका रिकवर मिले और गाड़ी पे जो बंधक है आरसी का वो हट जाए और जो लोन अमाउंट जमा करना है वो माफ हो जाए, इसलिए कोऑपरेटिव मैंडेटरी रहता है। हाँ जी कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक अपने यहाँ से जाके ट्रैक्टर लोन ले सकता है? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया ऐसा एलिजिबल, मतलब नहीं है कि एक कृषक है वो देखिए जाके ले कोई सकता है? एलिजिबिलिटी नहीं है, 75% तक फंडिंग जो रहती है वो नॉर्मल केवाईसी पे रहती है, ठीक है। आप खतौनी हम उसकी इसलिए लेते हैं, जैसे खतौनी अगर कस्टमर ले लिया तो उसमें क्या है कि एक इनकम का सोर्स हो जाता है कि उसके पास इनकम है, ठीक है। वरना अपने यहाँ एक्सिस बैंक जो है खतौनी बंधक, जमीन जो है बंधक नहीं रखती है ट्रैक्टर लोन के लिए, ठीक है, सिंपल सा है। अच्छा, खतौनी मतलब सपोज करिए कि कोई एक ग्राहक है जिसके पास 1 या 2 बीघे जमीन है मात्र, तो क्या उसकी खतौनी के साथ हम उसको 5 लाख 6 लाख का ट्रैक्टर हो और हम उसको 4 लाख रुपए लोन दे पाएंगे? सर अपना 75% वो हाँ जी, नॉन पे दे मेरी देंगे आवाज उसको सर जी। नहीं, आपकी आवाज शायद हेलो, मैं सुन। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आवाज नहीं आपको, आवाज मेरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप, मैंने हाँ हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर कोई आप ग्राहक है म्यूट हो जिसके, गए हाँ, जिसके जी। पास केवल 2 बीघे जमीन है, ठीक है, और वो एक नया हाँ ट्रैक्टर लेना चाहता है, तो क्या हम उसको उस 2 बीघे की खतौनी के आधार पे उसको हम 4 लाख रुपए या 5 लाख तक का लोन दे पाएंगे क्या? सर हम दे देंगे 4 लाख 5 लाख भी लोन दे देंगे, पर जैसे कोटेशन होती है, जैसे मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर की कोटेशन दी हमको, तो हम उसपे 75,000 रुपये फंडिंग कर देंगे। 4 लाख 5 लाख रुपए की ट्रैक्टर दिया उसपे 5 लाख में 75% हम आपकी, एक आपको मैं बताता हूँ, जो भी मतलब कोटेशन अमाउंट होगा उसका हम 75% कर देंगे। 75% फंडिंग हम दे देंगे आराम से। हाँ जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर है उसका भाई, ठीक है, तो हम लोग उसको 75% के हिसाब से 3,75,000 रुपये सिर्फ केवाईसी पे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक और खतौनी पे दे देंगे। जैसे कभी कभी किसी केस में खतौनी वाले इशू में ये आ जाता है कि जी खतौनी में क्या हो जाता है? खतौनी वाले में इशू क्या आ जाता है, जैसे बाप बेटे हैं घर में, ठीक है, तो जमीन बाप के नाम से और बेटा ट्रैक्टर ले रहा है, तो हमको जमीन चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है कि हम प्रधान से लिखवा लेते हैं कि इनके पास इतनी जमीन है, वो अपना जो एग्जीक्यूटिव रहेगा वो अपना लिखवा देगा, ठीक है, उसमें बंधक नहीं होगी, तो हम ये दिखा देते हैं, क्योंकि भाई बाप जब तक जीवित है तब तो बच्चों के नाम पे खतौनी आएगी नहीं, तो ये चीज है। और बंधक एक्सिस बैंक जमीन नहीं रखती है ट्रैक्टर लोन के लिए जी। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि हम पुराने ट्रैक्टर पर, जैसे कि आपने पहले भी चर्चा से स्टार्ट होने से पहले बताया था कि पुराना ट्रैक्टर भी हम इसमें लोन कर सकते हैं, तो पुराने ट्रैक्टर हम हाँ अपने जी ग्राहकों का कैसे, उस पर कैसे लोन कर सकते हैं, और कितना पुराना ट्रैक्टर होना चाहिए? क्या हम काफी पुराने ट्रैक्टर पे लोन कर सकते हैं? कैसे, मतलब क्या होता, थोड़ा सा सर उसकी भी जानकारी बताइए। हाँ सर, अपने यहाँ 13 साल पुराने ट्रैक्टर पे भी फाइनेंस होता है, मतलब 13 साल उसके लोन पूरे होने को नीचे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 2023 चल रहा है तो 2010 मॉडल पे भी ट्रैक्टर रहेगा तो हम उस पर कर देंगे, तो जैसे 2013 मॉडल है, 10 11 12 है, तो 1 2 साल के लिए उसका लोन हो जाएगा, मतलब 13 साल तक का हम ट्रैक्टर की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और पुराने ट्रैक्टर में हम लोग कुछ ट्रैक्टर में जैसे जो हम करते हैं, महिंद्रा, स्वराज, जॉन डियर, टैफे, आइसर, सोनालिका, स्कॉट और न्यू हाईलैंड और कुबोटा, हम पुराने ट्रैक्टर में इतने ही ट्रैक्टर फाइनेंस करते हैं जो मेन मेन है। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे हाँ हाँ जी, पुराने ट्रैक्टर में जो हम लोग फाइनेंस करते हैं, महिंद्रा का, स्वराज का, जॉन डियर, टैफे, आइसर और सोनालिका, स्कॉट, स्कॉट पावर ट्रैक मतलब, और न्यू हाईलैंड और कुबोटा, यही हम फाइनेंस करते हैं पुराने में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लोन कैसे होगा, इसमें क्या है कि हम लोग इंटरनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं असेट की, और एक वैल्यूएशन होती है,
जो उसमें से दोनों में से कम होगी वो हम लेके उस पे 70% तक का लोन कर देते, तो ये हो गया। और डॉक्यूमेंट जो सेम मैंने पहले बताए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक और खाता नंबर, सेम वैसे ही लगेंगे, ठीक है। और उसके अलावा लड़का जो भी हमारी टीम का बंदा रहेगा, वो स्टाफ हमारा वहां तक घर जाके पूरा सब वैल्यूएशन और वो सब डॉक्यूमेंट साइन करवा के कंप्लीट करेगा। मिनिमम 50,000 का लोन होगा इस प्रोजेक्ट पे, ट्रैक्टर वाले पे पुराने में, और मैक्सिमम 5 लाख, और 5 साल तक का हम इस पर लोन देंगे। कोई भी नया और पुराने दोनों ट्रैक्टर पे हम लोग 5 साल तक का ये लोन देंगे जी। और क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं इस ट्रैक्टर लोन के माध्यम से हम, जैसे पुराना ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर खरीदना ही है लोन, और जी ट्रैक्टर लोन के माध्यम से हम लोग बेनिफिट, जैसे मान लीजिए किसी को जरूरत है पैसे की सडनली, हम लोग पर्सनल लोन वगैरह कुछ भी लेते हैं तो 13-14% पे, क्रिमिनल से नीचे हम लोग नहीं लेते हैं। तो एक्सेस में आपको इससे भी आसानी होगी कि ब्याज दर आपका कम है, ठीक है। और दूसरा आपको ये रहेगा कि पैसा आपके अकाउंट में आएगा, बीच में किसी भी तरीके का कोई लेन देन कैश का आपके साथ में नहीं होगा स्टाफ के द्वारा, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको मान लीजिए कोई ट्रैक्टर खरीदने बेचने वाला है, जैसे मान लीजिए आप खरीदने वाले हैं, मैं बेचने वाला हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस स्थिति में क्या होता है, खरीदने वाला ये कहता है कि मुझे पैसा चाहिए पूरा तभी मैं ट्रैक्टर दूंगा, और बेचने वाला कहता है कि भाई अभी मेरे पास कम है मैं दूंगा। तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं कि हम खरीदने वाले के नाम से लोन कर दिया, जैसे मैंने मेरे नाम से लोन हो गया, बेचने वाले को लोन का पैसा दे दिया, जो लोन अमाउंट है वो पैसा हम बैंक के लेटर पे अप्रूवल करके दे देंगे कि हाँ ये अप्रूवल हो गया, इसका आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, बट वो पैसा तभी लिया जाएगा जब आरसी खरीदने वाले के नाम से आ जाएगी, आरसी के नहीं आने तक हम दे नहीं पाएंगे। हाँ ये है कि खरीदने वाला सहमति से एक लेटर लिख के देगा एफिडेविट पे कि हमको ये पैसा हमारा जो लोन का इनको बेचने वाले को दे दिया जाए, और आरसी ट्रांसफर हो जाएगी, हम उसको पैसा दे देंगे। तो ये चीज ये तो बेनिफिट है, अगर सपोज किसी को किसी के पास पुराना ट्रैक्टर है और उसको अपनी फाइनेंशियल किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो खुद वो लोन जी लेके अपनी फाइनेंशियल जरूरत पूरी कर सकता है यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा इसमें क्या हम केवल 13 साल तक ही ट्रैक्टर पे कर पाएंगे, इसके ऊपर नहीं कर सकते, जो 13 साल पुराना नहीं ट्रैक्टर सर, है हम उसके तेरह आगे का साल 13 साल मतलब 13 साल एंड होना चाहिए लोन लेते समय। जैसे 2 साल का लोन करवाया तो 11 साल पुराने ट्रैक्टर, 3 साल का लोन करवाया तो 10 साल पुराने ट्रैक्टर पे ही होगा। तो मान लीजिए 2013 मॉडल होगा तो उसमें 3 साल के लिए लोन कर पाएंगे, तो 2016 तक मतलब ट्रैक्टर की जो मतलब ये हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि हमारे ट्रैक्टर की उम्र 16-13 साल है और उस 13 साल में जितना गैप है हम जी उतने टाइम के लिए उस पर लोन ले सकते हैं। ले सकते सर बिल्कुल सर तो राइट। और न्यू न्यू ट्रैक्टर पे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, अगर हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति लोन की डीड डालता है तो उसको यहाँ पर क्या बेनिफिट और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं कि हम अदर कंपनी की जगह एक्सिस बैंक से लोन लें, ऐसा कुछ अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट हो कुछ तो थोड़ा सा गाइड करिएगा हमारे लिए साथी को। देखिए आप पे आउट के लिए पूछ रहे हैं कि कमीशन के लिए, सीएससी नहीं, पे आउट तो हमारे बेली भाई ऑलरेडी जान ही रहे होंगे कि उनको 800 रुपये पर केस प्लस 80% जो डिसबर्सल अमाउंट होता है उसका इंसेंटिव आता की नहीं, तो अपने यहाँ डिसबर्सल हाँ अमाउंट है, करनी है, पर जैसे क्या है इसका कि आठ इसके सौ रुपये एडिशनल कुछ पुरानी गाड़ी पे एडिशनल है सर, पुरानी गाड़ी पर पे केस 1,000 रुपये, 1 लाख पे नहीं, केस नहीं सर, लोन अमाउंट पे मिलेगा यहाँ पे आउट। जैसे मान लीजिए उन्हें 1-3 लाख का लोन करवाया तो पुरानी गाड़ी अच्छा का तो 3,000 रुपये पे आउट रहेगा, और नई गाड़ी में 1 लाख रुपए पे 800 रुपये रहेगा, जितने लाख होंगे उतने हिसाब। मान लीजिए 3 लाख का नई गाड़ी पे करा तो 2,400 हो गया। और इसमें एक एडिशनल इस समय पे ये है कि अगर 2 फाइल से ऊपर करवाते हैं तो 1.5% कमीशन देंगे वही लोन अमाउंट। हेलो
साथियों माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा कनेक्शन कट गया था। अभी हमें लगता है हरमीत जी शायद उनके साथ भी कुछ इशू है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ। साथियों जैसा कि हमारे साथ हरमीत जी थे, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वजह से शायद हाँ आगे वापस आ गए। तो हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हम लोगों का कनेक्शन कट गया था। साथियों जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हम नया ट्रैक्टर अगर हम लोन पुराने ट्रैक्टर को हम बेच के या उस पे लोन करा के अच्छी कमाई कर सकते हैं, जैसा कि हरमीत जी ने अभी बताया पहले कि अगर हम 1 लाख का नया ट्रैक्टर खरीदते हैं तो वहां पर हमारी अर्निंग 800 ही होगी, लेकिन अगर वही हम पुराना ट्रैक्टर बेचते हैं उस पे लोन कराते हैं तो वहां पे हमारी अर्निंग 3,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। तो हमारे साथियों के लिए 1 लाख पर 1,000 रुपए पाने। हाँ जी, और दो गाड़ी से अगर 2 फाइल से ऊपर महीने में देंगे तो वो कमीशन 1.5% हो जाएगी, मतलब 1 लाख पे 1,500 रुपए 2 फाइल से ऊपर अगर महीने में होगी तो। हाँ जी, अच्छा ये मतलब बेनिफिट है हम नए ट्रैक्टर की तरफ ना जाके अगर हम पुराने ट्रैक्टर पे लोन करवाते हैं तो हम एक अच्छी आय कर सकते हैं और हम अपने सभी क्षेत्र के ग्राहकों को एक अच्छी सुविधा दे सकते हैं। और इसके साथ में अच्छा हम क्या ट्रैक्टर लोन के साथ में कुछ और बेनिफिट जैसे कि इंस्ट्रूमेंट लोन होते हैं ट्राली ट्रैक्टर के साथ में होता है के साथ रोटावेटर वगैरह? देखिए अपना क्या है कि यूपी में ट्रैक्टर के साथ साथ में हम रोटावेटर भी करते हैं, पर वो नए ट्रैक्टर के साथ करेंगे। जैसे कस्टमर नया लेता है ट्रैक्टर तो उसके साथ ही करेंगे, ठीक है? पुराने के साथ में सिर्फ ट्रैक्टर पुराने के साथ में केवल ट्रैक्टर लोन होता है, बाकी हम कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आपको नए ट्रैक्टर में कुछ चीजें बता दूं कि नए ट्रैक्टर में जैसे मैंने पुराने में बताया कि कौन कौन सा फाइनेंस होता है, हम नए में भी आपको एक बार बता दें। महिंद्रा, टैफे, कुबोटा, जॉन डियर, सोनालिका, स्कॉट, ठीक है, और अपना न्यू हैलैंड और एसी अप्रीत भी ट्रैक्टर होता है, वो भी फाइनेंस हम लोग नए में करते हैं। और नए में क्या है कि हम लोग 200 घंटे अगर जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर चलाए तो उसको भी करेंगे, ठीक है, और 200 घंटे से कम। और डॉक्यूमेंट वही, इसमें हम लोग जो लोन रहेगा वो 1,61,000 से कम पे फाइल नहीं उठाएंगे और मैक्सिमम 10 लाख रुपए। लोन वही है 5 साल के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। कुछ अच्छा एक चीज और है आपको मैं बता दूं सर, कि इसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं कि जिन पे हम जिन लोगों को हम लोन नहीं करते हैं, मैं आपको नॉर्मली बता दूं, जैसे में पुलिस हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, एमएलए, एमएनसी, ठीक है, एमपी, एडवोकेट, ठीक है, और डीलर, डीलर को भी हम लोग जैसे जो ट्रैक्टर का डीलर है उसको नहीं करेंगे, सेल्समैन को, एम्प्लॉई को उसके, ठीक है, रिकवरी एजेंट जैसे जो रिकवरी ट्रैक्टर का करता है उसको, ठीक है, एक्सिस बैंक के इम्प्लॉयमेंट मैकेनिक प्रोफाइल को भी हम लोग लोन अवॉइड करते हैं ट्रैक्टर के। ये जो क्राइटेरिया आपने बताया इन क्राइटेरिया के व्यक्ति को हम ट्रैक्टर लोन नहीं देंगे वहां पर हम अगर वो ये जानकारी हमारे बीएलई भाई पहुंच गई। अब वो इस तरह से लीड जनरेट करेंगे जो उनके पात्र ग्राहक होंगे उन्हीं की लीड जनरेट करेंगे। और इसके साथ में और कुछ ऐसी सोचना जिससे कि हमारे बीएलई भाई को बताने से उनको लाभ मिल सके ट्रैक्टर लोन के लिए? हाँ जी सर, मैंने हमने जी कहा इसके इसके अलावा कोई ऐसी और जानकारी? आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है अभी? क्लियर सर? हाँ आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है? एक मिनट सर, मैं फिर से रीज्वाइन कर रहा हूँ।
साथियों आज नेटवर्क का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहा, जिसकी वजह से हम लोग का तो दो बार कनेक्शन ऑलरेडी टूट चुका है और अभी हरमित जी हमारे साथ ऐड नहीं हो पाए। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम नए ट्रैक्टर की अपेक्षा अगर हमको अपनी केवल आय करनी है तो हम पुराने ट्रैक्टर पर लोन करके एक अच्छी आय कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ चुनिंदा जो है कौन कौन से ट्रैक्टर पर हम लोन कर सकते हैं, किस किस ट्रैक्टर पर हम पुराने का कर सकते हैं, जो कि हरमित जी ने पहले से बता दिया। हरमित जी हम ये कह रहे थे कि जैसा कि आपने पहले से बता दिया कि हम अगर अपनी पुरानी तो हम पुराने ट्रैक्टर पे लोन करके कर सकते हैं, हमारे किसी ग्राहक को पैसे की आवश्यकता है और कस्टमर है पुराना तो उस पे वो लोन लेके कर सकता है। हम मैक्सिमम ट्रैक्टर की एज 13 इयर्स तक का ही लोन कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ हमारी कंपनियां जैसा कि आपने पहले से नाम बता दिए, आयसर हो गया, पावर ट्रैक हो गया, प्रीत हो गया, इन सब पे ही लोन कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया हो गया, आपने जी। एक लगभग रेशियो बता दिया। और कुछ ऐसा बेनिफिट हमारे बीएलई के लिए जो अलग से वो कर सकते हैं, अदर कंपनियों के पीछे हम एक्सेस से कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल हो तो वो आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, फिर हम लोग अपनी बातचीत को समाप्त। हाँ सर, एक्चुअल क्या है कि अपने एक्सेस के साथ में करने पे ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कस्टमर ट्रैक्टर का भी अपने साथ में इंटर होता है तो उसको ट्रैक्टर के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज बैंकिंग की मिलेगी और हम लोग 5 साल तक का भी कर रहे हैं। अपने यहाँ पे क्या है कि एक्सिस के साथ में हम लोग सिंगल पार्टी डील भी फाइनेंस करते हैं, जैसे मतलब एक अकेले सिंगल इंडिविजुअल किसी के नाम से नया ट्रैक्टर अगर वो लेता है तो हम उस पर भी कर रहे हैं फाइनेंस। ये 30 से 55 साल की एज का क्राइटेरिया है, वो भी एक अपने यहाँ प्लस पॉइंट है कि उसमें भी हम करेंगे, उसमें भी फंडिंग जो है 75% ही करेंगे। अच्छा, ये अपने यहाँ पे प्लस चीजें हैं। और दूसरी बात जी, अपना क्या है कि सारा पेमेंट जो भी रहेगा कस्टमर का ऑनलाइन फैसिलिटीज से भी कट जाएगा या अकाउंट से जाएगा तो अकाउंट से भी कटेगा। स्टेबिलिटी उसकी कम से कम जहाँ पे वो रह रहा है 3 साल होनी चाहिए, कम से कम 3 साल से वहाँ पे उसी एड्रेस पे रह रहा हो। सपोज मैं कहीं मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, लखनऊ में रह रहा हूँ, तो जहाँ लखनऊ में रह रहा हूँ यहाँ अगर हमें लोन लेना है तो मेरा यहाँ पर रेजिडेंस 3 साल का होना चाहिए। अच्छा, किराए पे अगर हम रह रहे हाँ, होंगे तो कम क्या से यहाँ मिल जाएगा यहाँ पर भी? सर पॉसिबल है, बट जो आपका जहाँ पे नेटिव प्लेस है जहाँ आप रहने वाले हैं जहाँ के वहाँ का आपकी एफआई जरूर होगी सर। और यहाँ पे अगर किराए पे भी रह रहे हैं तो कम से कम 3 साल होना चाहिए, 3 साल से स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। तो हम लोगों ने अपने साथियों को जो बातें बताई हैं, आशा करेंगे हमारे बीएलई साथी एक अपनी अच्छी आय करेंगे, अपने क्षेत्र के ग्राहकों को जी ट्रैक्टर से संबंधित इन जानकारियों के बाद अच्छे से ट्रैक्टर की सेल कर पाएंगे या किसी की आर्थिक मदद कर पाएंगे पुराने ट्रैक्टर का लोन करा के। जी सर, तो बिल्कुल सर, धन्यवाद, धन्यवाद हरमित जी कि आप हमारे साथ आज स्टूडियो में आए यहाँ पर और ये आपने जानकारी दी। ठीक है, साथ में मैं चाहूंगा आप अपना एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए जिससे कि हमारे किसी भी एली साथी को अगर आवश्यकता पड़ सकती हो, वैसे तो हम लोग हैं कोऑर्डिनेशन में, फिर भी आप शेयर कर जी सकते सर हैं। जी जी मैं आपको अपना नंबर बता दे रहा हूँ, 7355067914। मैं एक बार रिपीट अगेन कर दे रहा हूँ, 7355067914 ये मेरा नंबर है। थैंक यू, थैंक यू। तो आप हमारे साथ आए और बीएलई साथियों को एक अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच सर।